हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। कैसे हो आप सब? और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी तक की सबसे बड़ी जलेबी के बारे में। जलेबी से मुराद है हमारा मिस्ट्री के बारे में। क्या मिस्ट्री है? हु ओन्स द इंटरनेट। दोस्तों, आप लोग इंटरनेट पे वीडियोस देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, गेम्स खेलते होंगे, दोस्तों से चैटिंग वगैरह करते होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि असल में हु ओन्स इंटरनेट, इंटरनेट का मालिक है कौन आखिर में। और जिनके दिमाग में नहीं आई होगी, उनके दिमाग में अब आ गई होगी कि आखिर में इंटरनेट किसकी बपौती है, ठीक है, किस इंटरनेट के पिताजी कौन है, कौन इंटरनेट का मालिक है, ठीक है। हमको ये जानने में बड़ा मज़ा आता है कि जी फलानी चीज़ का मालिक कौन है, फलानी चीज़ का मालिक कौन है। तो इंटरनेट का मालिक कौन है जी, ये इस वीडियो में हम जानेंगे और पूरी तरीके से जानेंगे, बढ़िया से बात करेंगे इस बारे में। पूरी ग्रेट डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के बारे में नहीं, इंटरनेट किसका है, हु ओन्स द इंटरनेट, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इंटरनेट तो इतनी वास्ट चीज़ है जिसके बारे में एक वीडियो में तो मतलब चर्चा पॉसिबल ही नहीं है। एक सदी लग जाएगी इंटरनेट के चर्चा के लिए, वो भी कम पड़ जाएगी, तो एक वीडियो तो मतलब कुछ कह नहीं सकते, जीरो परसेंट चांस, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते रहिएगा हमें। विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज, लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों देखो, इंटरनेट एक वो बड़ा सा बाजार है, बड़ा सा महाकुंभ है, जहाँ पे सब लोग अपनी छोटी 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 दुकानें लगा के बैठे हैं। अब वो दुकानें कैसी हैं? अब एक दुकान है, वो दुकान किसकी है? नेटवर्क वाले भाई लोगों की है। अब नेटवर्क वाले भाई लोग जैसे जियो हो गए, एयरटेल हो गए, वीआई वाले हो गए, पहले बीएसएनएल वाले थे, है ना, उससे पहले एयरसेल वाले थे, मतलब वो सब तो मर्ज होके अलग हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इतने नेटवर्क वाले भैया लोग हैं, टावर और खड़ा करने वाली कंपनीज़ हैं ना, टावर खड़ा करती हैं, मतलब जो भी ऑपरेटर्स और प्रोवाइडर्स हैं, एक दुकान उनकी हो गई, है ना, वो अपना बढ़िया चला रहे हैं कि जो टावर बनाने वाले हैं टावर बना रहे हैं, है ना, और जो केबल बिछाने वाली कंपनीज है बढ़िया केबल अपना बिछा रही हैं, पूरा अपना कि हमने उसका स्पेक्ट्रम खरीद लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं जी, हमारा है, हम 5G लॉन्च कर रहे हैं, एक दुकान हमारी है, ठीक है। एक दुकान प्रोवाइडर्स की हो गई, एक दुकान है जी केबल वालों की, ठीक है, केबल ऑपरेटर्स जिनको हम बोलते हैं। तो केबल ऑपरेटर्स क्या करते हैं जी? केबल ऑपरेटर्स आपके घरों तक तार वार पहुँचाते हैं, है ना, इंटरनेट है भाई, है ना। अब जियो फाइबर है मान लो या एयर फाइबर है मान लो, तो अब आके घर में वो डब्बा वब्बा लगाते हैं, वो तार वार खींच के पहुंचाते हैं ना। अब एयर फाइबर में तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन जियो फाइबर या फिर वो जो बीएसएनएल के जो लैंडलाइन सिस्टम लगते थे, उन सब का क्या सिस्टम था? यही तो था कि जी एक डब्बा आके लगा देते थे, टेलीफोन से कनेक्ट किया, है ना। और जियो फाइबर में क्या होता है कि वो पोल से केबल लेके आ रहे हैं जी, आपके एक सेट टॉप बॉक्स लगाए, सेट टॉप बॉक्स में केबल लगा दी, वो सब चीज़ें हैं। तो वो करते हैं, एक उनकी दुकान है। तो जी अब आते हैं फिर उसके बाद अगली दुकान वाले, जो कि हैं सर्वर्स के सुल्तान, ठीक है। अब सर्वर वाले कौन हैं? गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन लोगों की सर्वर की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये लोग अपना सामान रख के जाते हैं जी। देखिएगा भैया, जैसे होता है ना गोदाम होता है बड़ा सा, तो गोदाम में क्या होता है कि वहाँ पे सामान पड़े होते हैं, लोग अपना सामान डंप करके जा रहे हैं, वहीं से उठा उठा के अपना यूज़ कर रहे हैं, अपनी अपनी दुकानों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये गोदाम है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन टाइप के, और जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, जो स्टोरेज लेती हैं, वो सब इनके ग्राहक हैं, ठीक है। एक इनकी दुकान हो गई गूगल वालों की, बढ़िया, एकदम अच्छी खासी सर्वर्स की दुकान चल रही है, क्योंकि देखो इंटरनेट के लिए सर्वर भी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट आपके यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये लोग ज़रूरी हैं। केबल की कबड्डी मैंने आपको बताई दी, जो केबल ऑपरेटर्स हैं वो आपके यहाँ तक केबल जो पहुँचाते हैं, उसके भी मतलब वो भी सिस्टम है, जैसे जो लैंडलाइन वगैरह या जियो फाइबर वगैरह या एयरटेल फाइबर वगैरह है, एयरटेल एक्सट्रीम वगैरह आपने लगवाया होगा, वो भी हैं, ठीक है। एक दुकान उनकी है,
अब दुकान के रूप में मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि भाई आसान शब्दों में आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। तो इंटरनेट कैसे आप लोग तक पहुँचता है वो सारी चीज़ें आप जानोगे तभी आपको आखिरी में समझ में आएगा कि जी इंटरनेट असल में है किसका। ठीक है, अगली दुकान किसकी आती है? कॉन्टेंट के बादशाहों की। अब जी कंटेंट के बादशाहों की क्यों आती है? अब देखो, आपने इंटरनेट पहुंचा दिया, सर्वर्स बिठा दिए, सर्वर्स के बाद जी स्टोरेज वोरेज मतलब सर्वर में ही आ गया वो कर लिया है ना, उसके बाद स्टोरेज को यूज़ करने वाले लोग भी हैं वो सब भी हो गया, केबल ऑपरेटर्स ने केबल पहुंचा दी, लेकिन वो सब करके फ़ायदा क्या है? कुछ उसमें कॉन्टेंट भी तो होना चाहिए। वो कॉन्टेंट आपको OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह देते हैं है ना, नेटफ्लिक्स दे देता है, यूट्यूब दे देता है ना, हॉटस्टार वगैरह देते हैं, तो वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाता है जी देखने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो उनकी भी अपनी एक दुकान है, कंटेंट वालों की दुकान है। ठीक है, अब आखिरी में जो मतलब सबसे बढ़िया है, जो छोले भटूरे टाइप के लोग हैं वो लोग भी हैं, जैसे कि ब्लॉगर्स हो गए जो ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, या फिर आपके डेवलपर्स हो गए, ऐसे बहुत 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 सारी दुकानें हैं। मैंने पहले ही बोला महाकुंभ है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, सब एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, और सबकी दुकान एक दूसरे की वजह से चल रही है। अगर जियो या VI या एयरटेल वगैरह ना हो तो इंडिया में इंटरनेट कैसे आएगा? ठीक है, तो यहीं से सारी चीज़ें बंद हो गई। अगर इनने बंद कर दिया तो आगे तो आप क्या डालोगे? हॉटस्टार पे क्या आ रहा है जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, तो क्या फ़ायदा? ठीक है, उसके बाद इंटरकनेक्टेड क्यों है? मान लो आपने इंटरनेट दे दिया, हॉटस्टार पे कुछ नहीं है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे कुछ नहीं है, यूट्यूब को बंद कर दिया गया, मतलब यूट्यूब को मान के चलो ब्लॉक है, तो फिर आप इंटरनेट का क्या कर लोगे, कितनी देर पढ़ोगे? तो हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, कि इंटरनेट सबका है और इंटरनेट किसी का नहीं है। ठीक है, इंटरनेट किसी एक की बपौती नहीं है, किसी एक कोई एक उसके पिताजी नहीं है, इंटरनेट सभी लोगों का है, सबको बराबर यूज़ करने का वो है, किसी एक के नाम पे नहीं है, और इंटरनेट सबका भी नहीं है। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक छोटे से एग्जाम्पल को यूज़ करके, दुकानों वकानों वाले एग्जाम्पल को यूज़ करके आप लोग को मैं समझा पाया होगा कि असल में इंटरनेट किसका है, कौन यूज़ करता है, उसका है। ठीक है, जो यूज़ करता है इंटरनेट उसका है, किसी एक का इंटरनेट नहीं है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कई बार आ चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसा पाप भी मत करिए है ना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लेने के बाद नोटिफिकेशन आएगा तो अगला वीडियो भी देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।